हमारे दर्शक भी लगा सके, इसी को ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चौकस खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। कांग्रेस ने 2019 चुनाव के अपने घोषणा पत्र में कहा है कि लोकसभा के घोषणा पत्र को हम लोकसभा पत्र का नाम जन आवाज दिया गया है और कवर पेज पर हम निभाएंगे लिखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में 5 बड़े थीम है। राहुल गांधी ने दिया नारा गरीबी पर वार, 72,000 ये कांग्रेस का पहला वादा है, जिसके अनुसार कांग्रेस पार्टी हर साल गरीबों को 72,000 रुपए देगी। किसानों और गरीबों के जेब में पहली बार डायरेक्ट पैसा जाएगा। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो के दूसरे वादे पर कहा कि 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उसे कांग्रेस मार्च 2020 तक भर कर देगी। साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में भी रोजगार देने का प्रॉमिस किया। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के देगी। राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो के वादे में कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो हम IIT, IIM बड़े विश्वविद्यालयों को सब लोगों की पढ़ाई करने के लायक बनाएंगे, हर जगह इसे इस तरह बनाना चाहेंगे। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, IITs, IIM, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को बिजनेस के लिए प्रेरित करने के इरादे से 3 साल तक बिना सरकारी अनुमति के बिजनेस चलाने का वादा भी किया। राहुल गांधी ने कहा अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो युवाओं को बिजनेस के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत है, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हम ये कानून लाएंगे, अगर किसान कर्ज नहीं दे पाते हैं तो उन पर कोई क्रिमिनल केस ना दर्ज हो। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस। कांग्रेस ने अपनी बहुकांक्षी योजना मनरेगा को भी अपने मैनिफेस्टो में मॉडिफाई किया है। 2019 के कांग्रेस घोषणा पत्र के मुताबिक अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मनरेगा के तहत 100 दिन के बजाय 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं, 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भाजपा के GST टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए कहा जो ये टैक्स है इसमें हम बदलाव करेंगे, इसके अंदर 5 अलग अलग टैक्स हैं जिन्हें बदलकर हम एक टैक्स करेंगे। गब्बर सिंह टैक्स को हम GST में बदलेंगे, 5 अलग अलग टैक्स हैं, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, हम एक सिंपल टैक्स देंगे, कम से कम टैक्स होगा, सरल सिंपल टैक्स होगा। राहुल गांधी ने गरीबों को न्याय योजना के तहत पैसे देने के उद्देश्य पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा जब प्रधानमंत्री मोदी अनिल अंबानी के जेब में सीधे 30,000 डाल सकते हैं तो कांग्रेस भी गरीबों के खाते में सीधे 72,000 रुपए डलवाएगी। नैरेटिव है कि अगर नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकता है जेब में पॉकेट में डायरेक्ट, तो कांग्रेस पार्टी 20% गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने बरेली में कहा यूपी में बीजेपी 73 सीटें जीतने जा रही है, सपा बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाएंगे। 73 पार, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ, अमेठी में कमल खिलने जा रहा है,
स्मृति ईरानी जी वहां की भावी सांसद। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करने वाले कार्यक्रम में पत्रकारों के सवाल पूछने पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस करने की वो चुनौती दे रहे हैं। भ्रष्टाचार पे मेरे से आके डिबेट करें, नेशनल सिक्योरिटी में मेरे से आके डिबेट करें। आए, चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, नेशनल सिक्योरिटी पे मुझसे डिबेट करके दें, फॉरेन पॉलिसी पे मुझसे डिबेट करके दिखाएं, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे डिबेट करें। कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करने के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, चौकीदार मुद्दों से छुप सकता है, भाग नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की सच्चाई देश के सामने है। मोदी जी ने नोटबंदी की, जीएसटी लगाकर गरीबों का पैसा छीनकर उद्योगपतियों को दिया। चौकीदार छुप सकता है मगर भाग नहीं सकता है क्योंकि हिंदुस्तान की सच्चाई सामने है, देश के सामने है। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स दिया, किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी मिडिल साइज स्मॉल बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, आपको बताएगा हमसे पैसा छीना, अनिल अंबानी को दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करने के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से छुप रहे हैं। देश की सच्चाई ये है कि देश में बेरोजगारी है, देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। मगर देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है, देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है, यह सच्चाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि अकेले यूपी में 14.5 करोड़ मतदाता हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो पहली बार मतदान में भाग लेने जा रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 14.5 करोड़ मतदाता हैं, जिन्हें 2019 के लोकसभा सामान्य निर्वाचन में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा, और इसमें से एक बड़ी संख्या वह है जो मतदाता पहली बार मतदान करने के। सीएम योगी ने पाकिस्तान और विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान देश पर हमला करता था, पर विपक्षी सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो उसको मुंहतोड़ जवाब दे सकते। पाकिस्तान कई बार भारत के अंदर हमला करता था, सरकारों की हिम्मत नहीं थी कि वे उस पाकिस्तान का जवाब दे सके। जवान इंतजार करता था कि जैसे ही आदेश मिलेगा हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेर देंगे, लेकिन सरकारों के पास दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बन गया है, 4 देशों में भारत भी शामिल हो गया, अमेरिका, रूस, चीन के साथ भारत खड़ा है। 5 वर्ष के दौरान इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया, 2014 में इस देश की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, लगातार प्रयास और परिश्रम के फलस्वरूप आज वह भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है। बीजेपी के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कश्मीर के लोगों को अलगाववादियों से मुक्ति मिले, आतंकवादियों से भी मुक्ति मिले, और अलगाववादियों और आतंकवादियों के जो सीधे और छुपे दोस्त हैं उनसे भी मुक्ति मिले। जम्मू कश्मीर के लोगों को अलगाववादियों से भी मुक्ति मिले, आतंकवादियों से भी मुक्ति मिले, और अलगाववादियों और आतंकवादियों के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोस्त हैं उनसे भी जम्मू कश्मीर के लोगों को मुक्ति मिले। जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला चुनाव से पहले गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, कश्मीर में धारा 370 के पक्ष में हम हैं, पर चुनाव से पहले ये बात कर वो मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और ये चुनाव में को ध्यान में रख करके
अपनी असफलताओं को भी छिपाना चाहते हैं। ये अब संभव नहीं है। यद्यपि हम धारा 370 कश्मीर में बनाए रखने के पक्षधर। बुलंदशहर में बीजेपी के सांसद ने खुद को ही सिक्कों से तोला। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने आचार संहिता का धज्जिया उड़ा दी। कहीं बिना हेलमेट बाइक रैली निकाली तो कहीं एक ही गाड़ी में तीन तीन लोगों को लेकर घूमे। कांग्रेस नेता और पूर्व एससी एसटी आयोग के सचिव पीएल पुनिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने 5 साल के कामों को बताने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी ने देश को बर्बाद किया है। पांच साल में उन्होंने क्या किया उसका जवाब देने की स्थिति में वो नहीं है। उन्होंने देश को बर्बाद किया है, कुछ किया नहीं है। फतेहपुर सीकरी में बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू पंडित की दबंगई जारी है। काफिले में हुटर लगाकर घूम रहे हैं गुड्डू पंडित। ये आचार संहिता का सीधे उल्लंघन है। प्रचार के लिए सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। बलरामपुर के सोहेलवा वन क्षेत्र में लगातार तेंदुए का हमला जारी है। तेंदुए के लगातार हो रहे हमलों से बनकटवा और सोहेलवा पूर्वी वन क्षेत्र के करीब 45 गांव के ग्रामीण दहशत में हैं। और यहां वक्त छोटे से ब्रेक है, फौरन हाजिर हो रहे हैं।